नमस्कार, आज हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस अटेंशन डाइवर्शन ऑफेंडर जिसका नाम है आफताब अहमद शेख एलियस आफताब, इसकी गिरफ्तारी हुई और इसके पास से 33 तोलास ऑफ गोल्ड और एक यामाहा मोटरसाइकिल का सीजर हुआ जिसका टोटल कॉस्ट 18,50,000 रुपीज है। ये ऑफेंडर 39 इयर्स का है और सामने फ्रूट वेंडर के बिजनेस करता है, ये चंद्रायन गुटा में। इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड काफी बड़ा है, 2007 से अभी तक 23 क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर है जो कि हैदराबाद कमिश्नरेट, निजामाबाद कमिश्नरेट, करीमनगर कमिश्नरेट में तीनों जगह है। इसके अलावा दूसरे स्टेट में भी जैसे खोंडवाना पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र, बिलोली पुलिस स्टेशन नांदेड़, कुंडलवाड़ी पुलिस स्टेशन नांदेड़, मुनिपल्ली पुलिस स्टेशन संगारेड्डी, सदाशिवपेट पुलिस स्टेशन संगारेड्डी, कोंडापुर पुलिस स्टेशन संगारेड्डी, मेदक टाउन पुलिस स्टेशन, शिवमपेट पुलिस स्टेशन, तूप्रान पुलिस स्टेशन, दिलावरपुर पुलिस स्टेशन, गजवेल पुलिस स्टेशन और चारमीनार पुलिस स्टेशन, इस सब में इनके ऊपर केस है। और इसके अलावा ये एक रेप केस में इसका कन्विक्शन भी हुआ महाराष्ट्र में और उसके बाद ये जेल से बाहर आया। ये पूरे केस में हमारे एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चक्रवर्ती गुम्मी, उनके लीडरशिप में हमारे इंस्पेक्टर ऑफिसर एस राघवेंद्रा, एन श्रीसाइलम, मोहम्मद थकीउद्दीन, वी नरेंद्र और साउथ जोन टास्क फोर्स के पूरे स्टाफ और चारमीनार पुलिस स्टेशन मिलकर ये केस डिटेक्ट किए। कुछ फ्रेंड्स फोन करके पूछ रहे थे रिगार्डिंग ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो ऑर्डर निकला क्रैकर्स के बारे में, फायर क्रैकर्स के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना रिट पिटिशन नंबर 271 के डिस्पोजल में जो ऑर्डर निकला और उसी के कंप्लायंस में हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी के जीओ नंबर 1777 डेटेड 12 नवंबर जो जीओ निकला जिसके तहत क्लोजर ऑफ ऑल शॉप्स विच डील्स विद क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, तो इसके तहत बैन ऑन सेल एंड यूज ऑफ फायर क्रैकर्स इन द एंटायर स्टेट ऑफ तेलंगाना इसका ऑर्डर निकला है। मैं सभी पब्लिक से अपील करता हूं कि इसको फॉलो करें। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी कुछ गाइडलाइंस निकला था इसी सिलसिले में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कल्चर में जो दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेशन का जो पुराना जो एक ट्रेडिशन है वो दीपोत्सवम का फेस्टिवल है। ये कैंडल जलाने का, दीपक जलाने का, बेसिकली अपनी जिंदगी से अंधेरों को दूर करके रोशनी को लाने का ये फेस्टिवल है। तमसो माँ ज्योतिर्मय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, दैट इज द थीम ऑफ दिस फेस्टिवल। इसी स्पिरिट में इसी फेस्टिवल को मनाएं और क्रैकर्स का यूज नहीं करें, यही हमारा अपील है सभी से। थैंक यू सो मच।